उपमंडल ज्वाली के अंतर्गत मिनी सचिवालय के समीप कर्मचारियों के लिए बनी आवासीय कॉलोनी के क्वार्टरों की हालत काफी खराब हो चुकी है। क्वार्टरों की खस्ता हालत के कारण अधिकतर कर्मी तो किराए पर ही कमरा लेकर रहने को मजबूर हैं, और अगर कोई कॉलोनी के क्वार्टरों में रह रहा है तो अपनी जान को जोखिम में डालकर रह रहा है। कॉलोनी में 18 क्वार्टर हैं, जिनमें से मौजूदा समय में 12 ही क्वार्टरों में कर्मी रहते हैं, जबकि 6 खाली हैं। छत की टीन टूट जाने के कारण इनमें कबूतरों ने डेरा डाल रखा है। अधिकतर खिड़कियां व दरवाजे टूट चुके हैं और बारिश होने पर क्वार्टरों में सीलन भी हो जाती है। बता दें, कॉलोनी को करीब 2001 में निर्मित किया गया था, लेकिन उसके उपरांत आज तक इसकी सुध नहीं ली गई। इनकी सुध न लिए जाने के कारण क्वार्टरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। क्वार्टरों के ऊपर डाली गई टीन भी सड़ चुकी है। इन क्वार्टरों के इर्द गिर्द कांट छांट भी नहीं की जाती है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि अनदेखी के कारण लाखों की लागत से बनी इस कॉलोनी की हालत खंडर होने की कगार पर है। इस बारे में SDM ज्वाली अरुण कुमार शर्मा ने कहा कि इनकी रिपेयर हेतु एस्टीमेट बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को कहा गया है। जैसे ही एस्टीमेट मिल जाएगा तो जिलाधीश कांगड़ा को भेज दिया जाएगा और बजट मिलते ही रिपेयर भी करवा दी जाएगी। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ज्वाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट।